ईडन पार्क ऑटो रोल ऑकलैंड का मैदान है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। इस वेन्यू के ऊपर इस सीजन का पहला मैच हुआ था, सीजन ओपनर मैच नंबर एक, मुकाबला था ऑकलैंड हर्ट्स बनाम कैंटरबरी मैजिशियंस के बीच में। 19 तारीख को टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था पिछले साल 19 दिसंबर 2023 को। तो उस मैच में देखो क्या हुआ था, जो टीम पहले बैटिंग करने आती है वो बनाती है कैंटरबरी मैजिशियंस 127 पे, 8 विकेट गवा देती है, 128 का टारगेट देती है। होम टीम चेस करने आती है ऑकलैंड हर्ट्स, 116 पे रुक जाती है। फिर इससे पहले 131 बना, जो टीम चेस करने आती है 105 पे रुक जाती है, 8 विकेट गवा देती है। 113 बना, जो टीम चेस करने आती है वो चेस कर जाती है, करीबन 15 बॉल रहते। 137 बना, टारगेट चेस नहीं हो पाया। 159 तो कहाँ से चेस होगा, टीम 128 पे रुक गई। 89 बना, टारगेट चेस हो गया। तो इस वेन्यू के ऊपर देखा गया है जो टीम 130 भी बना देती है ना, वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्कोर हो जाता है। बट आप यहाँ पे 90 बना रहे हो, 110 बना रहे हो, 115 बना रहे हो, तो वो स्कोर चेस हो जाता है। पिछले 14 में से 8 मैचेस यहाँ पे जीते गए हैं, 6 मैचेस चेस करते हुए जीते गए हैं। ऑकलैंड के अंदर मैच है, ऑकलैंड हर्ट्स का होम ग्राउंड है ये। इन्होंने 21 मैच खेला, 8 मैचेस के अंदर जीत दर्ज करी है। विनिंग रेशियो खराब रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 13 मैचेस हारे हैं। विलिंगटन ब्लेस गजब के आंकड़े हैं, 8 में से 7 मैचेस से टीम जीती है, इस मैदान पे सिर्फ एक मैच हारी है। प्रति ओवर 6.4 के आसपास रन बनते हैं। जो अब लास्ट मैच था उसके अंदर 9 विकेट पेसर ने निकाला, 4 विकेट स्पिनर्स के नाम थे। ओवरऑल विकेट कॉलम, लास्ट 14 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 91 विकेट निकाला है, पहली बारी में 51, दूसरी बारी के अंदर 40। और राइट आर्म पेसर का 90, लेफ्ट आर्म पेसर्स का मात्र 1 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो 64 विकेट है, पहली पारी के अंदर 31, दूसरी पारी के अंदर 33। मैं साइड होता हूँ, अच्छे से देखिएगा, आपको ऑफ स्पिनर्स का 34 है, लेग स्पिनर्स का 20, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 10 विकेट है। मोटा मोटा बैटर्स को हेल्प ये पिच करती है और स्पिनर्स भी गेम में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पिच देखो आप, जब लास्ट टाइम यहाँ पे मैच हुआ था 19 तारीख को, तब ऐसी पिच दिखी थी। इस पिच पे आपको कभी ग्रास नहीं दिखेगी, बहुत कम ग्रास होती है इस पिच के ऊपर और बहुत बेहतर सरफेस होता है। ये देखो आप जिस तरह का ये स्टेडियम का व्यू आता है, ये देख सकते हैं पिचेस को, ये देखो व्यू। यहाँ पर कतार एयरलाइंस की स्पॉन्सरशिप है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेडियम की इधर बनावट है ना, ये एकदम यूरोपियन की तरह, कैसे ये देखो ढांचा ऐसा बना हुआ है ये पीछे का, और ये इस तरह से आके यहाँ पे देखो ये कट मारा हुआ है, एकदम यूरोपियन जैसा व्यू आता है। तो ये बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, जनता से यहाँ पे बैठती है, आराम से मैच का लुफ्त लेती है। ये देखो आप, ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम ईडन पार्क आउटडोर। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो।